भैया की बेटी सपनवा में आती है टू। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ऐसे ऐसे भोसड़ी वाले सिंगर भैया कभी सुधरने वालों में से नहीं है, इसीलिए आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन है ना कि ऐसे ऐसे सिंगरों का गाना जब भी आप लोग यूट्यूब पे सुने, उनके कमेंट बॉक्स में या फिर उनके वीडियो में इतना ज़्यादा रिपोर्ट मारिए, इतना ज़्यादा रिपोर्ट मारिए ना कि उन भोसड़ी वालों का गाना तुरंत यूट्यूब से हट जाए। नहीं, इन लोगों को मैं समझा समझा के यार थक चुका हूँ, लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। सबसे पहले गाना निकाले खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, अब देख लो पार्ट टू निकाल दिए। नहीं, क्या करना चाहिए भाई लोग, आप ही लोग हमको बताइए, नहीं तो हम इन लोगों को इतना ज़्यादा गाली देंगे, इतना ज़्यादा गाली देंगे ना कि ये भोसड़ी वालों का खानदान बिला जाएगा। नहीं, ऐसे ऐसे बहादुर लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप लोग प्लीज़ बताइए। ये भोसड़ी वाले सिंगर लोग ना सही बता रहे हैं, एकदम बिगड़ चुके हैं। नहीं, किसी भी सुपरस्टार हो या फिर कोई भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हो, बस इन लोगों का यही काम है ना कि जो भी चीज़ ट्रेंड में आता है उसके ऊपर गाना बना दो। अरे चूतियों, अगर तुम लोगों को गाना ही बनाना है तो अच्छा गाना बनाओ ना, किसी के ऊपर, किसी के बेटी के ऊपर, किसी के माँ के ऊपर, किसी के बहन के ऊपर ये सब गाना बना के क्या क्या तुम लोग फेमस हो जाओगे? हाजी लंड मेरा, ये सब गाना गाने के बाद तुम लोग फेमस नहीं होगे, बल्कि तुम लोगों का कैटेगरी चूतियों की कैटेगरी में आ जाएगा। वही चूतिया जो ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है। तो निवेदन यही करना चाहेंगे कि भोसड़ी वालों, अगर तनियक भी तुम लोगों के पास खोपरी है, भेजा है, तो उस भेजे का यूज करो और अच्छा से अच्छा गाना मार्केट में लाने की कोशिश करो, ना कि चूतियों वाला गाना लाने की कोशिश करो। तो बस मेरे भाई, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर भाई के चैनल पर नए हो आप लोग तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई।